हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज ये भाई फटाफट से करते हैं क्लास स्टार्ट गुड मॉर्निंग एवरीवन तो फटाफट से करते हैं क्लास क्लास स्टार्ट लास्ट so में आपको ध्यान होगा मैंने आपको करवाया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट कर रहे थे और मैं आपको बता रही थी किस तरीके से पूरा भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन होता चला जा रहा था ठीक है हमने मराठा सिख साम्राज्य मैसूर शक्ति सभी के सभी एक परफेक्ट वे में हमने कर लिए थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे भूमि पर टैक्स वसूलने की ओके okay, लक्ष्मी आज पहली बार लाइव हो मैच खत्म होने वाला है कोई बात नहीं हाँ तो धीरे धीरे ये मानो कि कम्प्लीटली मतलब सारा 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 पूरा इंडिया किसके अंडर में आता जा रहा था अंग्रेजों के अंडर में आता जा रहा था कि पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर में आता जा रहा था थैंक यू लक्ष्मी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिगार्ड ठीक है सो पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर में आता जा रहा था तो मैंने आपको बताया था फिर अंग्रेजों ने क्या किया भाई टैक्स वसूलने की नीतियां लगा दी अंग्रेजों ने क्या क्या बहुत सारी नीति लगा दी कि हम टैक्स वसूलेंगे वसूलेंगे भारत वालों से अब मतलब एक तरह से भारत वालों का बहुत सारा एक्सप्लोर्टेशन अब करना था शुरू एक तरह से मतलब शोषण शुरू हो गया आप ये कह सकते हो लेकिन आपको पता है भाई जब दुनिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइ किया जाता है तो कहीं ना कहीं तो लोग उसके खिलाफ खड़े ना ये थोड़ी ना कि कोई हमारा शोषण करता रहेगा तो कि हम बोलेंगे चल रही थी थोड़ी लंबी इसलिए ठीक है हाँ अभी शुरू हुई है डोंट वरी तो धीरे धीरे क्या है एक्सप्लोर्टेशन शुरू हो गया और जब एक्सप्लोर्टेशन शुरू हो गया तो लोगों ने कहा हम अब क्रांति करेंगे और शुरू हो जाती है क्या भाई अट्ठारह की क्रांति आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया था विडी सावरकर के द्वारा इसको First War of Independence कहा गया था स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था वी डी सावरकर ने इसको अब होता क्या है क्या रीजंस बने कोई भी चीज होती है भाई सबसे पहले उसके रीजंस बनते हैं ठीक है सबसे पहले उसके क्या बनते हैं कारण बनते हैं कि कोई भी काम यदि शुरू हो रहा है तो सबसे पहले उसके क्या बनेंगे भाई कारण बनेंगे कारण बनने का मतलब समझ तो अब अठारह की क्रांति हुई तो क्यों हुई क्या रीजन रहे तो उसके पीछे पॉलिटिक्स रीजन, रीजन भी थे और उसके पीछे सोशल रीजन भी रहे थे रिलीजियस रीजन क्या था उस टाइम धर्म परिवर्तन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था हिंदुओं को जबरदस्ती कुछ ना कुछ लालच देखे ईसाई धर्म का ट्रेंड आ चुका था ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था लोगों को और ये ट्रेंड एक बार कुछ साल पहले सात आठ दस बारह साल पहले एक बार ये ट्रेंड फिर से दोहराया दोहराया गया था कि जो गरीब तबके के लोग थे उनको कुछ ना कुछ लालच दे धर्म परिवर्तन किया जा रहा था तो इस तरीके से जो भारतीय या हिंदू कह दो या कुछ भी टाइप के लोग कह दो वो इस चीज के खिलाफ हो गए वो कहते हैं यार ये गलत है ऐसे नहीं होना चाहिए हम इस चीज के पूर्णतया खिलाफ है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक मूवमेंट हुई है रिलीजियस जो लोगों ने पसंद नहीं की आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये अठारह सोतावन की क्रांति का पीडीएफ इस क्लास के साथ में अटैच मिलेगा ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है इसलिए मुझे लगा कि पीडीएफ आपको साथ अटैच कर दूंगी क्योंकि इसमें थोड़े पॉइंट ज्यादा हैं ठीक है तो इस क्लास का पीडीएफ साथ अटैच होगा सुन लो बस ध्यान से तो रिलीजियस मूवमेंट तो रिलीजियस मूवमेंट में क्या हुआ था रिलीजियस मूवमेंट में यही हुआ था कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो लोग थे वो खिलाफ हो गए थे फिर आता है सोशल मूवमेंट तो सोशल मूवमेंट भी इसी तरीके से समाज में धर्म ये वो जाति पाति सब इस तरीके से चल रहे थे सबसे मेन पॉलिटिक्स रीजन बने थे और जो उसका तत्कालिक कारण था पॉलिटिक्स रीजन राजनीतिक कारण में दो नीतियां थी एक तो लॉर्ड डलहोजी की लेप्स की नीति लॉर्ड डलहोजी लेप्स की नीति ठीक है एक तो लॉर्ड डलहोजी की बेटा लैप्स की नीति और एक लॉर्ड वेलजिली की सहायक संधि ठीक है एक तो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति और एक लाल लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि ये दो नीतियां बनी थी जिनसे लोग बहुत खिलाफ हुए थे आपको पता है डॉक्टराइन ऑफ लेप्स लॉर्ड डलहौजी की लेप्स की नीति में क्या था कि जिस भी राज्य के अपना संतान नहीं होता उसको अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था ठीक है मान लो आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आपके साम्राज्य को हड़प लेंगे अंग्रेज तो ये था लेप्स की नीति फिर लॉर्ड वेलजिली की थी सहायक संधि सहायक संधि के अंदर क्या था यही था सहायक संधि भी कहीं ना कहीं एक इस तरीके का था कि भाई हम आपको सहायता देंगे हम आपको सैनिक देंगे बदले में पैसे ले लो ये ले लो कहीं ना कहीं ये भी एक अंग्रेजों को अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बना रहे थे इस नीति से भी ठीक है तो लॉर्ड डलहौजी की लप्स की नीति और लॉर्ड वेलजिली की सहायक संधि ये बेटा दो नीतियां ऐसी थी जिससे लोग क्या हो गए थे खिलाफ हो गए थे जिससे लोग क्या हो गए थे खिलाफ हो गए थे खिलाफ होने का मतलब लोग बहुत सारा अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे लेकिन आप सबको पता है जो तत्कालिक कारण जिसको बोलते हैं जो मेजर रीजन बना था जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण क्या बना था सुना होगा आपने चर्बी वाले कारतूस अंग्रेजों ने कुछ कारतूस कारतूस होते हैं मतलब ऐसे यू मुंह से तोड़ के फेंकने वाले कुछ आ, बारूद गोला टाइप में जो भरते हैं पिस्टल्स वगैरह में ठीक है तो चर्बी वाले कारतूस अंग्रेजों ने यूज करे और इन कारतूस में क्या था कहते गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी तो अब हिंदुओं के लिए गाय बहुत पवित्र है तो गाय की चर्बी वो कैसे अपने मुंह में ले सकते थे तो यहां से कहते हैं इस घटना से बहुत बड़ा इवेंट हुआ और एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे ठीक है एक सैनिक था जिसका नाम क्या था भाई मंगल पांडे क्या नाम था मंगल पांडे चौतीसवीं इन्फेंट्री का सैनिक था बैरकपुर छावनी से चौतीसवीं इन्फेंट्री जैसे सेना की टुकड़ी होती है तो इस तरीके से भाई मेरठ छावनी में तैनात था मेरठ छावनी में तैनात था मेरठ ठीक है मेरठ छावनी में इन्फेंट्री जैसे सेना की टुकड़ी होती है सबका अलग अलग नाम होता है तो चौतीस इन्फेंट्री का एक सैनिक था मंगल पांडे और इसने कहा मैं चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं करूंगा ठीक है अब इसका कहने से थोड़ी ना विद्रोह हो जाता आप ये बताओ कि मात्र कहने से थोड़ी ना विद्रोह हो जाता इसने क्या किया ये कहता मैं चर्बी वाले कारतूस यूज नहीं करूंगा और इसके एवेज में इसने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी समझे आप इसके अवेज में इसने एक अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी भाई हत्या कर दी मतलब इसने कहा भाई मैं चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं करूंगा और इसके अवेज में इसने एक अंग्रेज अधिकारी जनरल हीरोज की हत्या कर दी कहता है कि तू आजा मेरे से पंगे लेगा तो कहने का मतलब हत्या करने के जुर्म में सब कहते हैं ना चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं किए तो मंगल पांडे को फांसी होगी नहीं मंगल पांडे को फांसी इसलिए नहीं हुई कि इसने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया फारसी इसलिए हुई कि जब इसने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना किया तो अंग्रेज अधिकारी था जनरल ह्यूरोज ठीक है अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज तो इसने कहा भाई तू क्यों नहीं प्रयोग कर रहा तो ये कहता मेरे से पंगे लेने की जरूरत नहीं है मैं मार दूंगा तेरे को ह्यूसन सॉरी ह्यूरोज ह्यूरोज नहीं तो जो झांसी की रानी के साथ था हयूसन हयूसन नाम है ये सेम सेम नाम है कंफ्यूज मत होना जनरल ह्यूसन है यहाँ पर ह्यूरोज़ आएगा आगे जब झांसी की रानी पड़ेंगे उसके साथ जो अंग्रेज अधिकारी था वो था जनरल ठीक है जनरल ह्यूसन था तो इसने क्या किया हम्म तो इसने क्या किया जनरल ह्यूरोज़ की हत्या कर दी और जनरल ह्यूरोज़ की हत्या करने के जुल्म में इसको क्या हो गई भाई फांसी होगी इसको क्या होगी आठ अप्रैल अठारह को फांसी आठ अप्रैल अभी कल परसों आ नहीं रहा था स्टेटस पे मंगल पांडे का शहीदी दिवस मंगल पांडे का शहीदी दिवस 8 अप्रैल सत्तावन को इसको क्या हो गई भाई फांसी हो गई जनरल ह्यूसन से मतलब जनरल ह्यूसन को मारने के जुर्म में इसको आठ अप्रैल अठारह को फांसी हो गई अब देखो फांसी तो हुई है आठ अप्रैल को लेकिन क्रांति जाके शुरू हुई है दस मई को ध्यान रखेंगे दस मई को Year याद करने की जरूरत नहीं है सारी घटनाएं जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर सबका एक ही अठारह सो ठीक है ईयर सबका एक ही है अठारह सिर्फ डेट याद करना मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल को और 10 मई को बैरकपुर छावनी के लोग बैरकपुर छावनी के सिपाही ठीक है 21वीं इन्फेंट्री के फिर ये नहीं हो जाता भाई हमारे बंदे को मार दिया धीरे धीरे ज्वाला उठती है धीरे धीरे प्रोग्राम्स बनते हैं एक महीना लग गया इतनी प्लानिंग भरने में कि एक महीना क्यों लग गया भाई कई बच्चों को लगे यार फांसी तो आठ अप्रैल को होगी तो दंगे भी नौ अप्रैल को हो जाने चाहिए थे दस मई क्यों हुआ मतलब इतना लेट क्या हुआ तो इतना लेट क्या हुआ इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ये देखा कि क्रांति कहाँ कहाँ से शुरू करनी चाहिए कहाँ कहाँ कौन सा नेता बनाया जाना चाहिए तो इस तरीके से ठीक है तो दिस इज द रीजन कि क्रांति क्या होगी भाई लेट हो गई फांसी हुई आठ अप्रैल को क्रांति हुई दस मई को ठीक है तो डिफरेंस याद रखना और इस वजह से क्या हो गया भाई लेट हो गया ठीक है इस वजह से क्या हो गया लेट हो गया तो आठ अप्रैल से दस मई क्यों क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना था प्लानिंग्स बनानी थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है सब ने अपने अपने तरीके से क्रांति में हिस्सा ले लिया कोई वेल प्लान क्रांति नहीं थी ये कुल मिला के ठीक है बट आपको यहां से क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर वन आपको याद रखना है कि अठारह की क्रांति किस वजह से हुई तो चरबी वाले कारतूस की वजह से किसने मना किया मंगल पांडे ने मंगल पांडे कहाँ का सेना मतलब सैनिक था मेरठ छावनी का कौन सी सेना की टुकड़ी थी चौंतीसवीं इन्फेंट्री थी ठीक है कौन सी चौंतीसवीं इन्फेंट्री थी फिर क्रांति कब शुरू हुई क्रांति शुरू हुई 10 मई अठारह को कौन सी बैरकपुर छावनी में 21 बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल साइड इक्कीस इन्फेंट्री ये सेना की टुकड़िया होती है पूछे जाते हैं एग्जाम में याद रखना 21 इन्फेंट्री के सिपाहियों ने कहा चलो दिल्ली और करते हैं क्रांति का बिगुल बजाते हैं और पैदल पैदल ये दिल्ली जाते हैं और 12 मई को दो दिन बाद 12 मई को ईयर अठारह सो सत्तावन है ईयर के चक्कर में मत पड़ना ठीक है और 12 मई को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में कहां पर पहुंच जाते हैं अरे वाह लक्ष्मी कह रही है मैं डेली हमेशा रिकॉर्डेड पढ़ती हूँ थैंक यू सो मच मैम फॉर योर हार्ड वर्क आज मैंने स्पेशल आपको थैंक यू बोलने के लिए ही लाइव क्लास लगाई है यू आर वेरी ग्रेट थैंक यू लक्ष्मी थैंक यू सो मच बैच खत्म होने वाला और इसका थैंक यू बोलने के लिए आपने लाइव क्लास लगाई है थैंक यू देखिए तो 12 मई अट्ठारह को ये सारे के सारे बंदे कहाँ पहुंच गए भाई दिल्ली लाल किला ठीक है ये सारे के सारे बंदे कहाँ पहुंच गए दिल्ली लाल किला एक एक वर्ड जो मैं लिखवा रही हूँ ना एक एक क्वेश्चन है ध्यान रखना कि कौन सा आ, मतलब ऐतिहासिक स्थल है जो अठारह की क्रांति का सिंबल है मतलब एक तरह से अठारह की क्रांति जहां से शुरू हुई है तो दिल्ली के लाल किला से दिल्ली के लाल किला में और वहां पर जो आपको पता है मुगल बादशाह था अंतिम बहादुर शाह जफर या जिसको हमने बोला बहादुर शाह द्वितीय ठीक है बेटा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वित कुछ भी कह दो तो बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह द्वित कुछ भी कह सकते हो आप इसको क्या किया गया अठारह की क्रांति का सम्राट कि भारत की तरफ से जो क्रांति का सम्राट है क्रांति का राजा है वो है बहादुर शाह जफर ठीक है तो क्रांति का सम्राट किसे घोषित किया गया बहादुर शाह जफर सेना की टुकड़ी दिल्ली कब पहुंची बारह मई कहां से क्रांति का बिगुल बजाया लाल किले से

तो इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था इसको कैसा विद्रोह कहा गया है सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह एक ही ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा तो ध्यान रखेंगे इस चीज का ठीक है तो क्लियर भूमिका अब भाई अठारह की क्रांति शुरू होगी अब अलग अलग जगह से क्रांति शुरू हुई अलग अलग जगह पे क्रांति के अलग अलग नेता बने तो उनको फटाफट से देख लेते हैं लिखे पी डी एफ अटैच हो जाएगी लिखने के चक्कर में ना रहे क्या बात इसमें एक ही पेज है, नहीं है। हाँ अब देखो क्रांति शुरू हो गई ये रोटेट नहीं होता क्या निकम्मा होता होगा रोटेट भाई हाँ हो गया हाथों हाथों की करामा सही होते हैं ये डेट की जरूरत नहीं है याद करने की अब देखिए यहां से यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ठीक है विजुअलिटी ओके है भाई बता दो एक बार ये पीडीएफ साथ अटैच हो जाएगी अगेन मैं कह रही हूं सो डोंट बी कंफ्यूज ये दिख रहा है ना दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं मैं बोल दूंगी सुन लू दूंग। दिख रहा है देखिए सब दिख रहा है देखिए अब जो असली क्वेश्चन है वो यहां से पूछ जाएगा भाई कि 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ का नेता कौन कौन था तुम्हें कभी नहीं भूलोगे ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से याद कराऊंगी ध्यान से सुनते जाना और बताना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तो अठारह की क्रांति में सबसे पहले कौन कौन से मुख्य केंद्र बने ठीक है तो हरियाणा में अठारह सत्तावन की क्रांति अलग है वो आप हरियाणा जीके में पढ़ चुके होंगे यहां मैं सिर्फ उतना ही करवा रही हूँ जितना इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है देखिए सबसे पहले है दिल्ली सबसे पहले हम आ, याद करते हैं कि दिल्ली से कौन नेता बना था तो आपको नेता देखना है नेता कौन था तो दिल्ली से जो नेता बना था वो कौन था बहादुर शाह जफर और वक्त खां मैंने अभी भी बताया था क्रांति का बिगुल बजाया तो क्या आंसर करना है मतलब किसने बजाया सिपाहियों ने ठीक है तो देखो दिल्ली दिल्ली से नेता था बहादुर शाह जफर और वक्त खां साथ साथ याद करेंगे बिल्कुल किसी को क्लैरिटी में थोड़ा सा इशू है तो मैं बोल रही हूँ फोकस ऑन मी यहां पर लिखे हैं केंद्र नहीं भी दिख रहा तो सुन लो यहां पर लिखे हैं केंद्र और यहां पर लिखे हैं विद्रोही नेता कि कहां से कौन कौन सा नेता था ठीक है तो केंद्र में सबसे पहले है दिल्ली और दिल्ली से नेता था बहादुर शाह जफर और बख्त खां बहादुर शाह जफर और बख्त खां अब ध्यान से देखिए हम कैसे याद करेंगे भाई बहादुर शाह जफर का बखत चल रहा था अपने हरियाणा में बोल देते नहीं है बहादुर शाह जफर का बखत चल रहा था बखत बखत होता ना टाइम टाइम ही तो आ रहा था इसका देश निकाला देने वाले थे इसको ठीक है बहादुर हाँ। तो 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 शाह जफर सबको बहादुर शाह जफर का क्या चल रहा था, बखत चल रहा था तो साथ साथ याद हो जाएंगे बहादुर शाह जफर ठीक है ठीक है बहादुर शाह जफर नेक्स्ट है कानपुर अब कानपुर से कौन थे वैसे याद करेंगे कानपुर में मेरे नाना रहते हैं ठीक है कानपुर में कौन रहते हैं नाना रहते हैं तो वैसे तो मेरे नाना खानपुर में रहते हैं तो थोड़ा सा मुझे तो वैसे ही याद हो जाता है आप कोई भी रिलेशन यहाँ पर मतलब एड ऑन कर सकते हो ठीक है रहते हैं नहीं रहते थे सब दिल्ली में रहते हैं हम तो ठीक है तो कानपुर तो मेरे को तो इसलिए याद हो जाता है कि कानपुर में मेरे नाना रहते हैं तुम वैसे याद कर लो जबरदस्ती कि नाना को मनवा लो कानपुर में तो कानपुर में मेरे नाना रहते हैं और नाना क्या करते हैं भाई मेरे टोपी ओढ़ते हैं ध्यान से सुनो नाना मेरे टोपी ओढ़ते हैं तो तात्या टोपे तो मींस कानपुर से कौन थे दो नेता थे कानपुर से जो क्रांति के नेता थे दो थे कानपुर से एक नाना साहेब और एक तात्या टोपे ठीक है एक नाना साहेब और एक कौन थे भाई तात्या टोपे नेक्स्ट है लखनऊ अब लखनऊ से देखिए लखनऊ आपको पता है भाई नवाबों का शहर है ठीक है ये क्लास समझ आ रही है ट्रिक में मजा आ रहा है तो अपनी आपने उचित सिंबल्स जरूर दें मतलब थम्स अप लाइक वट एवर यू फील लखनऊ अब लखनऊ क्या है नवाबों का शहर है लखनऊ क्या है नवाबों का शहर अब नवाब भाई अपनी बेगम के लिए क्या करते हैं महल बनाते हैं तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल ठीक है तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल ऐसे तो याद कर लेंगे ना नवाब अपनी बेगमों के लिए महल बनाते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है तो लखनऊ से बेगम हजरत महल याद हो गए झांसी तो बताने की जरूरत नहीं खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी सबको पता है बच्चे बच्चे को पता है नेक्स्ट है जगदीशपुर अब जगदीश नाम देखो कैसा लग रहा है बुड्ढे बुड्ढे वाला फील दे रहा है ना मतलब जगदीश नाम सुनते ही हमें ऐसी फीलिंग आती है कि बड़ी बड़ी वाली फीलिंग आती है बड़े बड़े आदमियों वाली फीलिंग आती है ठीक है अब हम कैसे याद कर लेंगे जगदीश अब तक कुआरा है जगदीश अब तक कुआरा है बेचारा जगदीश कैस्टेड तो पास हो गया लेकिन स्क्रीनिंग नहीं निकला तो जगदीश का बयान ही हुआ जगदीश अब तक क्या है भाई कुआरा है ठीक है एक कल एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि मैम थैंक यू सो मच मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ मैं हरियाणा क्लर्क में लग गया वहाँ लग गया मतलब दो तीन छोटी नौकरियों में लगा हुआ है शायद इस बैच में भी ना हो वो बच्चा मुझे नहीं पता कि मैम मैं है ना दो तीन नौकरी तो लग गया हूँ ग्रुप सी लेवल की लेकिन मैम मैं मेरा ड्रीम है लेक्चरर लगना मेन और हरियाणा जॉब तो निकाली नहीं मैडम मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आप बताओ मैं लेक्चरर लगने से पहले शादी करूँ या इंतजार करूँ मैंने कहा बात यह तू बुड्ढा हो जाएगा तू ब्याह कर ले फिर लग जाएगा लेक्चरर क्योंकि थर्टी फाइव हो चुका है वो तो बड़ी हंसी आई शायद इस बैच में भी ना हो ठीक है मैंने कहा भी है ना दो तीन नौकरी से छोकरी मिल जाएगी और कह देना छोकरी से मैं भविष्य का लेक्चरर हूँ इसलिए छोकरी बढ़िया ले लेना है ठीक है तो ऐसे याद कर लेंगे जगदीश अब तक कुंवरा है तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ऐसे याद कर लेंगे जगदीश अब तक कुंवारा है अगला देखो फैजाबाद यूपी फैजाबाद मुसलमानों का शहर है ठीक है यूपी में जो फैजाबाद है वो मुसलमानों का शहर है और हम कैसे याद करेंगे मौलवी अहमदुल्ला ठीक है फैजाबाद मुसलमानों का शहर है मौलवी अहमदुल्ला तो मौलवी मुसलमान होते हैं तो मौलवी फैजाबाद से कौर करके याद करेंगे <oxideistoire classroom> नेक्स्ट है इलाहाबाद इलाहाबाद से थे लियाकत अली इलाहाबाद से कौन थे लियाकत अली कैसे याद करेंगे इलाहाबाद आपको देखो कितनी अच्छी सी फीलिंग आती है इलाहाबादी लोगों को देख के वो गाना नहीं था मैं हूँ अकबर तो इलाहाबादी अली 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 कैसे याद आएगा ये बड़े नजाकत वाले होते हैं बड़े लियाकत वाले होते हैं इलाहाबाद तो लियाकत अली ठीक है ऐसे याद हो जाएगा अरे कितना अच्छा है ना ये वैसे ये यूपी के एरियाज इलाहाबाद अयोध्या मतलब जाना चाहिए वैसे मथुरा हाँ फिर नेक्स्ट है बरेली बरेली तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है बरेली से थे खान बहादुर खां बरेली से कौन थे खान बहादुर खां अब बरेली क्या है अब ये तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में अब झुमका किसी का गिर गया तो उसको उठाने की हिम्मत तो भाई कोई बहादुर आदमी करेगा ये नहीं है कोई भी राह चलता झुमका उठा के देगा कोई बहादुर ही लड़की से पंगे लेने की कोशिश करेगा तो इसीलिए बरेली से कौन है खान बहादुर खां ठीक है तो होप सो ये भारतीय नेता तुम्हें पूरे याद हो गए दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि कहां से किसने क्रांति का नेतृत्व किया पीछे नहीं देखना आप बस यहाँ मैं खड़ी हूं यहाँ नहीं देखना और फटाफट देखेंगे कि कहा से कौन नेता था फटाफट मेरे साथ याद करो रिवाइज करो मतलब याद तो मैंने करवा दिए हैं बिना देखे आंसर करना है दिल्ली अब आपको पता दिल्ली फटाफट कमेंट भी करते जाओ या ना करो बोलो बस मेरे साथ बोलो दिल्ली से कौन था भाई आवाज नहीं आई दिल्ली से कौन था बहादुर शाह जफर ठीक है बहादुर शाह जफर का बखत चल रहा था तो बहादुर शाह जफर और कानपुर कानपुर में मेरे मेरे नाना नाना रहते हैं और नाना मेरे टोपी मतलब हैं और टोपी मतलब तो नाना साहब और तात्या टोपे लखनऊ लखनऊ नवाबों का शहर और नवाब अपनी बेगम के लिए महल बनाते हैं बेगम हजरत महल ठीक है बेगम हजरत महल झांसी खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी जगदीश जगदीश अब तक कुवारा है फैजाबाद यूपी यूपी फैजाबाद मुसलमानों का शहर तो मौलवी अहमदुल्ला ठीक है इलाहाबाद इलाहाबाद के लोग नजाकत वाले लियाकत अली इलाहाबाद अली ऐसे याद कर लेंगे बरेली बरेली से कौन थे खान बहादुर खां बरेली से कौन थे खान बहादुर खां तो बरेली में झुमका गिरेगा तो उसको उठाएगा कोई बहादुर आदमी ठीक है हाँ ओके नेहा आप यूपी से हो क्या क्लियर भाई तो याद हो गए नेता लोग आपको अब चलते हैं ये तो भारतीय है ये तो कौन थे भारतीय नेता मतलब जो क्रांति को भारत की तरफ से डील कर रहे थे वो भारतीय नेता थे अब याद करते हैं इनका अंग्रेज कौन था जो इनके साथ था अंग्रेज तो हर जगह से अंग्रेज भी तो था ना जैसे भारतीय लड़ रहे थे तो ऐसे अंग्रेज भी तो इनके अ, मतलब साथ थे ना साथ इन द सेंस दो पार्टी थी ना इंडियन वर्सेस अंग्रेज तो अंग्रेज ही कौन कौन से थे तो देखिए सबसे पहले दिल्ली से देखते हैं दिल्ली से मान लो भारतीय नेता ना पूछ के अंग्रेज नेता पूछ ले तो दिल्ली से अंग्रेज नेता कौन था निकलसन और हडसन दिल्ली से कौन था निकलसन और हडसन कैसे याद करेंगे बहादुर शाह जफर दिल्ली से निकल गया था ठीक है तो दिल्ली से अंग्रेज नेता कौन था निकलसन और हडसन ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्रांति कब खत्म हुई इतना नहीं पूछते कभी भी तो नो नीड टू रिमेंबर दैम ठीक है तो दिल्ली से कैसे याद बहादुर शाह जफर निकल गया निकलसन एव हर्सन फिर कानपुर से था कॉलिन कैम्बेल कानपुर से कौन था कॉलिन कैम्बेल तो कानपुर कै कै का ही पूरा कॉम्बिनेशन है तो आप इनको याद कर सकते हो लखनऊ और कानपुर से दोनों से सेम था लखनऊ और कानपुर दोनों से सेम था कोलिन कैम्बेल ठीक है झांसी से था जनरल ह्यूरोज जनरल ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मुझे लग रहा है पूरे भारत में एक ही मर्द है मुझे लग रहा है कि पूरे भारत में एक ही मर्द है और वो है झांसी की रानी कहने का मतलब झांसी की रानी इतनी पावरफुल तरीके से लड़ रही थी कि जो ये अंग्रेज नेता था जनरल यूरोज इसने कहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में एक ही अंग्रेज है जनरल यूरोज ठीक है इसको ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत में एक ही अंग्रेज है एक ही मर्द है जिसका नाम है झांसी की रानी तो ऐसी बस ये याद करने की जरूरत नहीं है अंग्रेज नेता वैसे कम ही पूछते हैं भारतीय ही ज्यादा पूछते हैं बट पता होना चाहिए आपको ठीक है फिर जगदीशपुर से था मेजर विलियम टेलर ठीक है जगदीशपुर से था विलियम टेलर अब याद करना आसान है जगदीश अब तक कुआरा है भाई कब तक कुआरा रहेगा अब तो टेलर से अपने कपड़े सिलवा ले तो विलियम टेलर ठीक है तो विलियम टेलर जगदीशपुर से था फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला जनरल रेनॉर्ड ठीक है इसका मौलवी अलग से है रेनॉर्ड अलग सा ही कोरिलेशन है ऐसे करके ध्यान रख लेना ठीक है इलाहाबाद से इलाका मतलब लियाकतनी और इलाहाबाद से अंग्रेज नेता था, था कर्नल नील कैसे याद कर लेंगे इसको कर्नल नील इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है और नदियों का पानी नीला नीला सा लगता है ठीक है तो कर्नल नील तो कर्नल नील इलाहाबाद से थे बरेली भारतीय नेता खान बहादुर और अंग्रेज नेता विंसेंट आयर ठीक है कौन था विंसेंट आयर ठीक है हाँ क्लियर भाई विंसेंट आयर तो ये बरेली और ये विंसेंट आयर क्लियर भाई हो गया नेता याद सीधा सीधा है दिल्ली से निकलसन हरसन लखनऊ और कानपुर से पॉलिन कैमवेल हैं झांसी से जनरल यूरोज है जगदीशपुर से विलियम टेलर हैं फैजाबाद जनरल रेनाल्ड इलाहाबाद से नीली नदी कर्नल नील और बरेली से विंसेंट आयर ठीक है बरेली से विंसेंट आयर ठीक है तो ये क्या थे नेता अब कुछ और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं क्रांति से रिलेटेड इतना ही चैप्टर था ये लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके वो देख लो जो क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ठीक है मेन मेन जो क्वेश्चंस के रूप में बन सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे तो लिख लीजिए लॉर्ड केनिंग ठीक है इस क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे तो इस क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिंग ठीक है बेटा तो क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड केनिंग क्रांति के समय एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था जैसे एक भाई प्रॉब्लम आ जाए प्रॉब्लम आ जाए तो एक न्यायालय होना चाहिए तो क्वेश्चन आता है कई बार कि आपातकालीन न्यायालय आपातकालीन न्यायालय ठीक है कहाँ बनाया गया था इलाहाबाद में तो ध्यान रखेंगे आपातकालीन न्यायालय कहां बनाया गया था इलाहाबाद में बनाया गया था ठीक है ध्यान रखेंगे भी अब क्वेश्चन इससे जुड़ी कुछ स्टेटमेंट आती हैं कि किसने इस क्रांति को क्या क्या बोला हाँ एक आएगा क्रांति का प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है क्रांति का प्रतीक क्या था कमल का फूल और रोटी कमल का फूल और रोटी ठीक है क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी क्यों थे ये कमल का फूल और रोटी क्रांति का प्रतीक क्योंकि लोगों को ये था कि हमारी रोटी हमें खानी है कमल की तरह खिलना है अंग्रेजों को दूर भगाना है तो इस तरीके से मतलब इंसान की बेसिक नीड है रोटी ठीक है तो हम अपनी बेसिक नीड्स खुद से ही पूरी करेंगे फूल की तरह और कमल का फूल और रोटी ये क्या थे क्रांति के प्रतीक थे ठीक है ये क्या थे क्रांति के प्रतीक थे इसमें तो कारण ही लिखे हैं जो मैंने आपको बताया ना अभी अभी वही कारण लिखे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत इसमें कारण ही लिखे हैं अठारह के क्रांति के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था आपने सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान रखना है ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाम स्टर्न ठीक है अठारह की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बेटा कौन था तो अठारह तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था पार्स था तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे क्लियर बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे हैर से मतलब बैरकपुर छावनी जहां से विद्रोह हुआ था वहां पर जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था उनका नाम था हैरसे. तो ये भी याद रखेंगे ठीक है हाँ ये भी याद रखेंगे हैरसे पूछ सकता है कुछ भी एक और दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है अठारह के विद्रोह में किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था मतलब एक ऐसा वंश था जिसने इस क्रांति में भाग ही नहीं लिया था साहूकार और जमींदार ठीक है साहूकार और और जमींदार लोगों ने और शिक्षित वर्ग के लोगों ने इस क्रांति में भाग ही नहीं लिया था वो कहते हैं हम नहीं भाग लेते मत ना तो साहूकारों ने भाग लिया और ना ही जमींदारों ने भाग लिया और ना ही शिक्षित वर्ग ने भाग लिया ठीक है तो ध्यान रखना इन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया ज्यादा इसके समय में जो उर्दू कवि था उनका नाम था मिर्जा गालिब ठीक है क्रांति के समय में उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब अक्सर कहते हैं गालिब ने फरमाया है ऐसे बोलते हैं ना मैं भी कभी कभी मिर्जा गालिब बन जाती हूँ आज क्लास का टाइम हो रहा है आखिर में तुम्हारे लिए एक शेर फरमाएंगे मिर्जा गालिब बन के मिर्जा गालिब का निवास स्थान आगरा था तो क्रांति का जो शायर था वो मिर्जा गालिब था ठीक है ये पॉइंट याद रखना महत्वपूर्ण तो घटना दिल्ली लाल किले पर पहुंचना और बहादुर शाह जफर को बंदी बना के लास्ट में रंगून भेज दिया गया था मैंने आपको बहादुर शाह जफर करवाया था बता दिया था रंगून भेज दिया था ठीक है हम्म विद्रोह किसने शुरू किया सिपाहियों ने ठीक है महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान तो वाराणसी था ध्यान रखेंगे और उसकी समाधि ग्वालियर में बनी हुई है तो याद रखेंगे इस डिफरेंस को महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान ग्वालियर वाराणसी था और इसकी समाधि कहाँ थी इसकी समाधि ग्वालियर के अंदर थी ठीक है इसकी समाधि कहाँ थी भाई ग्वालियर में था तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में मतलब जो जयपुर शहर है क्रांति बिल्कुल अछूता रहा कहते हैं ना जहां पर क्रांति का अरत्ती भर भी एक परसेंट भी असर नहीं गया तो वो जगह कौन सी थी भाई जयपुर वो जगह कौन सी थी जयपुर थी ठीक है अठारह सावन के विद्रोह से प्रभावित जयपुर चित्तौड़ यहाँ पर क्रांति का एक परसेंट भी असर नहीं गया क्रांति की आग सबसे ज्यादा मेरठ में लगी थी ध्यान रखेंगे क्रांति की आग सबसे ज्यादा मेरठ में लगी थी लेकिन क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक जो थे वो अवध के थे डिफरेंस याद रखना क्रांति में सैनिक थे अवध के सर्वाधिक सैनिक क्रांति में कहां के थे अवध के थे लेकिन जो एक तरह से विद्रोह सैनिक सबसे ज्यादा अवध के थे लेकिन सबसे ज्यादा कहते हैं ना शोर शराबा मेरठ में था क्रांति का ठीक है तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे अब अट्ठारह की क्रांति के क्या रिजल्ट रहे भाई आपको पता ये फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस था लेकिन कहीं ना कहीं हमें इससे आजादी नहीं मिली और आज़ादी जाके बहुत लेट मिली हमें इससे आज़ादी मिल जाती तो आपको हिस्ट्री के सिलेबस से अभी आज़ादी मिल जाती आगे सिलेबस ही ना होता पॉलिटिकल शुरू हो जाता ठीक है लेकिन हमें इससे आज़ादी ही नहीं मिली क्यों क्योंकि सब एकजुट होकर नहीं लड़ रहे थे सब अपने अपनी बातों के लिए लड़ रहे थे सबके अपने पर्सनल मोटिवस थे देश आज़ाद करवाने के लिए बहुत कम लोग लड़ रहे थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन्स बने और ये क्रांति असफल क्रांति हो गई थी लेकिन फिर भी इससे कुछ चेंज तो आए थे चेंज क्या आया था एक तो जो कंपनी का शासन चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था वो खत्म हो गया था कि ये भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पावरफुल नहीं रहेगी अब जो भी काम करेगी वो महारानी विक्टोरिया करेगी ठीक है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर खत्म हो गया था तो यहाँ पर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था ठीक है तो यही खास हुआ था और यहाँ पर एक मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि जितनी भी बड़ी पोस्टें होती थी जैसे आई वगैरह में उनमें भारतीयों को अधिकार नहीं दिया जाता था तो इसके बाद उनमें भारतीयों को भी अधिकार दिया जाने लगा कि अब भारतीय भी भाई इसमें लड़ सकते हैं तो मेन चीज यही थी इसमें खास अब कुछ बुक है इसके ऊपर दो तीन बुक का नाम पता होना चाहिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वी डी सावरकर ने लिखी थी और इसको कहा भी था ठीक है तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टॉक्स ने कहा था अठारह की क्रांति के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एरिक ने ठीक है The Great Rebellion. ये क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम एक में कि 1857 की क्रांति को ग्रेट रिबेलियन किसने कहा मतलब एक बड़ा रिबेलियन होता है एक तरह से क्रांति टाइप में किसने कहा भाई अशोक मेहता ने कहा किसने कहा अशोक मेहता ने कहा ठीक है हुँ. और जो लैप्स की नीति थी जो लॉर्ड डलहोजी ने चलाई थी लैप्स की नीति वो भी खत्म कर दी गई थी लॉर्ड केनिंग के द्वारा ठीक है तो लैप्स की नीति जो लॉर्ड डलहौजी चला रहे थे उसको भी लॉर्ड केनिंग के द्वारा खत्म कर दिया गया था तो मतलब काफी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा और कुल मिला के बहुत सफल नहीं हो पाई लेकिन अंग्रेजों में बहुत सारे परिवर्तन जो है आए थे अट्ठारह सो सत्तावन की क्रांति के तहत तो होप्सो गाइज अट्ठारह सो सत्तावन की क्रांति से आने वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और कल हम शुरू करेंगे स्वतंत्रता संग्राम तीन चरणों में ठीक है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास है बाय बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच